नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आदि काल से, आज से नहीं, जब से ह्यूमैनिटी है, जो भी जानकार लोग हैं करते चले आ रहे हैं, जो साधु संत हैं मंत्रों के द्वारा इस उपाय को करते हैं, और जो लोग थेरापीज करते हैं, जो साइंस से जुड़े हुए हैं, वो थेरापी के द्वारा इस चीज को करते हैं। क्योंकि हर इंसान ये जानता है कि जल जीवन है, पानी ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आप जिन शब्दों से अभिमंत्रित करते हैं, पानी उसी शब्द का रूप ले लेता है, पानी उसी शब्द का रूप ले लेता है जो शब्द आप पानी को हाथ में लेकर के बोलते हैं। जापान में अभी कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें दो अलग अलग ग्लासों में पानी लिया गया। एक ग्लास में पानी लेकर के और उस पर अनाप शनाप जो कुछ भी बोला गया वो उस बोलते रहे, उस पानी को हाथ में लेकर के उसको ढककर रखा, उसका फोटो पाड़ लिया। फोटो खींचने के बाद दिखाई दिया कि वो पानी में बहुत नेगेटिविटी है, एक विष समान हो चुका था वो पानी। क्योंकि उस पानी को, उसका फोटो लेने से पहले उसको हाथ में लेकर के अनाप शनाप बकवास की गई। दूसरे ग्लास में पानी लिया गया, उस पानी को हाथ में लेकर के अच्छी अच्छी दुआएं मांगी गई, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छे अच्छे थॉट्स, सारी पॉजिटिविटी जैसे उस पानी में डाल दी गई। उसके बाद उस पानी का फोटो लिया गया, वो पानी के अंदर ढेरों पॉजिटिविटी थी, जैसे वो कुदरत का ही रूप बन गया था। पानी दोस्तों उस चीज का रूप ले लेता है जो उसको लेकर के बोला जाता है। अभी आप देखना, कई जगह जहां पानी की थेरापीज होती हैं, पानी से थेरापी की जाती है, वहां क्या होता है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, आप एक ग्लास पानी ले कांच के ग्लास में और उस पानी को लेकर के, कोई भी मदर है, अपने हाथ में ले और उसको देख करके एकटक पानी को देखती रहे और बोलती रहे कि नहीं, मैं मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। काफी लोग जो पूछ रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप रोज इस क्रिया को करना शुरू करें, देखें कुछ ही दिन में आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद ना हो आप उसका नाम ले कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, इसमें मुझे फर्स्ट क्लास लाना है। आप रोज पानी को देखें और उसको अभिमंत्रित कर दें इन शब्दों से, और वो पानी आप अपने बच्चे को पीने के लिए दे दें। वो बच्चा रोज पानी पीना शुरू करेगा, आप देखें कुछ ही दिनों में उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। पानी को आप जिन भी शब्दों से अभिमंत्रित करते हैं, पानी वही काम करना शुरू कर देता है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश है तो आप रोज पानी हाथ में ले और अपनी वो विश बोले कि मेरा ये काम अब होने जा रहा है, मेरा ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, और आप पानी पीना शुरू करें। कुछ ही दिन में दोस्तों आपका वो काम हो जाएगा, नो डाउट। ऐसे ही दोस्तों, जो लोग ये चाहते हैं कि हमेशा मेरे ऊपर मेरे इष्ट की कृपा बरसे, हर व्यक्ति का कोई न कोई भगवान होता है, किसी भी रूप को जिसको भी आप मानते हैं, आप भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उस पर व्यक्ति की बहुत ज्यादा आस्था होती है ना। और ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये काफी लोगों को मैंने करते हुए भी देखा है,
इसके पीछे का ही जो लॉजिक है उन्हें नहीं पता होता, वो तो सिर्फ इसलिए कि वो ऐसा कर रहा था और उसका काम हो गया इसलिए मैंने ऐसे किया, वो ऐसा कर रहा था और उसका काम हो गया इसलिए मैंने ऐसे किया। लेकिन सच में इस क्रिया को आप करना शुरू करें, आपके तमाम काम होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग तो इसको ऐसे भी करते हैं कि मैं 6 महीना तक इसने उपाय को करूंगा या करूंगी, मैं 2 महीना में, 1 महीना में, 1.5 महीना मेरा ये काम होना चाहिए। ओके, कुछ लोग ऐसा सोच करके करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप हमेशा ही इस क्रिया को करना शुरू करें, पानी पीने से पहले हमेशा इस क्रिया को करें और देखें कितनी जल्दी आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने इष्ट को पुकारता है तो उसके इष्ट तक उसकी आवाज जाती है, और उसके कानों में जब वो आवाज पड़ती है तो वो भी कोशिश करते हैं कि मेरे इस भक्त की ये इच्छा पूरी हो। अब इसके लिए वो एक तरफा प्रयत्न होता है, आपको जो करना है वो स्थूल रूप से यहाँ पानी के जरिए करना है। आप जब भी पानी पिए, दिन में जितनी बार भी पानी पिए, आप ग्लास हाथ में लें, जो भी आपके इष्ट देव है 3 बार उनका नाम लें और पानी में फूंक मार दे, उसके बाद उस पानी को आप पी जाए। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप पानी को पी रहे हैं उस समय आप अपनी उस इच्छा को बोले जो आप चाहते हैं। यदि आपकी कोई पार्टिकुलर इच्छा नहीं है तो आपको कोई इच्छा बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इस उपाय को करना शुरू कर दे, आपकी तमाम इच्छाएं दोस्तों अपने आप ही पूरी होने लग जाएंगी। जब भी पानी पीते हैं इष्ट देव को जरूर याद करें, उसके बाद ही पानी पिए, उस चीज का आप नियम बना लें। हाँ, कभी ऐसा होता है किसी कारणवश यदि आप ना भी कर पाए तो कभी घबराए नहीं कि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कुदरत कभी किसी का अनर्थ नहीं करती है, आप जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं उतनी ज्यादा कोशिश करें कि अच्छा हो, बढ़िया हो, मेरा भी शुभ हो, सबका शुभ हो, करके देखें इस उपाय को, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।